मध्य प्रदेश बजट 2023-24 एमपी के बजट की बात हो रही है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अटल प्रगति पथ के विषय में चर्चा की थी, तो अटल प्रगति पथ का संबंध है चंबल एक्सप्रेसवे से, नर्मदा एक्सप्रेसवे से, गंगा एक्सप्रेसवे से या सोन, तो ऑप्शन ए और बी में से हो सकता है। और ए आपको पता ही है, अटल प्रगति पथ चंबल एक्सप्रेसवे है ना। इस पर एक FLT में भी क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इसके बारे में डिटेलियाँ दे रखी है, कहाँ कहाँ से निकलेगा, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जाएगा, इस पर पूरी बात हुई है। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश राज्य के 5 जिलों 214 गांवों को जोड़ रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इटावा, राजस्थान के कोटा और मध्य प्रदेश में भिंड, श्योपुर और मुरैना, ये 3 जिलों को कवर करते हुए बढ़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 3 जिले कौन कौन से आ रहे हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड, इटावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बूंदी तक ये दर्शा रहा है। वो जो चंबल रिवर है उसी के मार्ग में है ये, भिंड मुरैना नहीं है, ध्यान रखिएगा, भिंड मुरैना, भिंड ग्वालियर नहीं है, भिंड मुरैना और श्योपुर ग्वालियर नहीं है। ठीक, अटल प्रोग्रेसिव वे, इस पर प्रश्न भी बना था मेरे हिसाब से, अभी भी आ सकता है। अगला मुख्यमंत्री बजट 2023-24 में वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने CM कौशल विकास योजना के बारे में चर्चा की थी, तो CM कौशल विकास योजना अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी जी, कौशल विकास योजना घुमंती जातियों के बेरोजगार युवाओं के लिए। ठीक, CM कौशल विकास योजना घुमंती जातियों के बेरोजगार युवाओं के लिए, घुमंतू जातियाँ जैसे कि बंजारा ट्राइब्स वगैरह हैं, इनके लिए है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना 2023-24 के बजट में बात हुई है इसकी। ठीक है, मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवा हैं, ठीक है, सभी बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देंगे, लाभ मिलेगा, रोजगार समाप्त रोजगार होगा, ठीक है, बढ़िया। अगला महालोक महाकाल लोक परिषद, ये तो परिसर, ये तो चर्चा में रहते ही है। मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महाकाल महालोक परिषद का उल्लेख किया है, तो महाकाल महालोक परिषद ये तो आपको पता ही है, ये उज्जैन में है, इस पर काम भी हो रहा है और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। PM मोदी एट द श्री महाकाल लोक इन उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक, अगला इसी न्यूज़ में एक और चीज़ का उल्लेख हुआ है सर जी, आज करें, हाँ जी मंगल साहब आज कंप्लीट करके ही सोएंगे, है ना, चिंता मत करिए, बीच में थोड़ा सा 15 मिनट का मामला ख़राब हो गया है, वो जानकारी देनी थी, है ना, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए मैं। श्रीदेवी महालोक परिषद परिसर का उल्लेख, तो ये श्रीदेवी महालोक परिसर कहाँ पर विकसित किया जाएगा, महाकाल परिसर तो उज्जैन में हो गया है, तो ये श्रीदेवी महालोक परिसर कहाँ पर है, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। सलकनपुर, बिल्कुल सही बात है, सीहोर में सलकनपुर माता जी जो है वहीं पर, श्री देवी महालोक परिसर का उल्लेख सीहोर जिले के सलकनपुर में विकसित किया जाएगा ये, और ओरछा में राम राजा कॉरिडोर है ना, तो श्री देवी महालोक परिसर सलकनपुर सीहोर और उसके अलावा ओरछा में बनाएंगे राम राजा कॉरिडोर। अगला प्रश्न इसी पर फ्रेम किया है, हाँ विजयासन माता का मंदिर है यहाँ पर सलकनपुर की माता जी ओरछा में, ठीक है, ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, गड़बड़ मत करिएगा। अगला मध्य प्रदेश बजट 2023-24 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राम राजा कॉरिडोर की चर्चा की जी, राम राजा कॉरिडोर कहाँ विकसित किया जाएगा, यही प्रश्न है आपके सामने, आंसर पता है आपको, ओरछा, ओरछा कौन सा जिला, निवाड़ी, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दिव्य वनवासी रामलोक का भी उल्लेख किया है भैया, तो ये बता दो दिव्य वनवासी रामलोक, सतना, हाँ जी सतना में जो घाट है हमारा चित्रकूट का घाट, वहाँ पर दिव्य वनवासी रामलोक का निर्माण करने की योजना है सतना के चित्रकूट में। ठीक, अगला प्रश्न, विश्व फुटबॉल के की सर्वोच्च संस्था फीफा द्वारा 27 फरवरी 2023 को वर्ष 2022 के लिए फुटबॉल पुरस्कार प्रदान किए गए, तो 2022 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार 2022 के लिए जी,
आंसर क्या रहेगा? लियोनिस मेसी, पक्का? ठीक, 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार अर्जेंटीना के प्रसिद्ध खिलाड़ी लियोनिस मेसी को दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ ठीक है भाई, मेसी साहब आ गए। ठीक, लियोनिस मेसी सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार लियोनिस मेसी अर्जेंटीना के हैं। महिला पुरस्कारी महिला खिलाड़ी फीफा की सर्वश्रेष्ठ 2022 के लिए अलेक्सिया पुटिलॉस का है, जो कि स्पेन की है। और फिर कोच वगैरह की, गोलकीपर देख लीजिएगा, एमिलियानो मार्टिनेज हैं, ये अर्जेंटीना के। बस मेरे हिसाब से तो यही दो नाम महत्वपूर्ण हैं, बाकी एक बार आप नज़र घुमा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो फीफा के वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जी पुटिलॉस, ठीक है, ठीक, अलेक्सिया पुटिलॉस, ठीक है, ठीक है। पुटिलॉस जो है वो स्पेन की खिलाड़ी है, और दूसरे साल तो अर्जेंटीना के मेसी और स्पेन की पुटिलॉस महोदया है ना, लगातार दूसरे साल है पुटिलॉस जी। ठीक है, ठीक है, ठीक। फीफा के अध्यक्ष 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में है ना, आज 18 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2023 की स्थिति आज भी वही है, और यह है जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इनको 16 मार्च 2023 को ही अगले कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो मेरे हिसाब से ये अभी काफ़ी लंबे समय तक रहने वाले हैं, जब तक कि कुछ गलत सलत ना हो या फिर ये अपना पद ना त्याग दें, कोई नई विपता ना आए। 2027 तक रहने वाले हैं भाई लोग, तो जियानी इन्फेंटिनो का नाम ध्यान रखिएगा। फीफा के बारे में बेसिक जानकारी ध्यान रखिए, फीफा की स्थापना 21 मई 1904, मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। और फीफा के बारे में बेसिक जानकारी है आप लोगों के पास में, इनको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, फीफा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, थोड़ा अजीब सा है ना, कभी ये पूछ ले, क्योंकि MBBSC हर बार एक गूगली डालती है, कभी कभी तो आसान रहता है, कभी कभी फंस जाता है बच्चा। तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। वाणी जयराम प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है, फरवरी 2023 माह में इनकी मृत्यु हुई है, 2023 में ही पद्म पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है, निधन भी हो गया है, पद्मश्री भी मिल गया है। तो वाणी जयराम ध्यान रखिएगा, प्लेबैक सिंगर हैं ये, वाणी जयराम जी चली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स कह रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, 2023 पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023, ठीक। अगला, फरवरी 2023 को 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, ये प्रश्न है आपके सामने जी। भोपाल में भी हुआ था एक है ना, और उस साल मुख्य परीक्षा में इसी सम्मेलन पर एक प्रश्न भी पूछा था हिंदी में, उसमें रिपोर्ट राइटिंग थी, ठीक है। तो आंसर है इस बार का 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन नारडी में हुआ था, ठीक है, फिजी के नारडी में। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 को भोपाल में आयोजित हुआ था, और उस साल ये प्रीलिम्स में भी आया था, मुख्य परीक्षा में भी आया था। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 फिजी के नारडी में हुआ था, तो फिजी की जगह नारडी दिए रखा है। अगला, 49वां वार्षिक खजुराहो नृत्य समारोह आप सबको पता है हर साल जहां होता है, आंसर है छतरपुर का खजुराहो, ठीक। 49वां वार्षिक खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 20 से 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन का इसे आयोजित करता है, 49वां खजुराहो नृत्य समारोह। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी चतुर्वेदी फरवरी 2023 माह में चर्चा में रही, अवनी चतुर्वेदी का संबंध है। तो अवनी चतुर्वेदी फरवरी माह में चर्चा में रही, ये सुरक्षा सेवाओं से जुड़ी हुई है। देश की प्रथम
तीन महिला पायलट्स में से एक हैं, दो अन्य भावना कंठ तथा मोहना सिंह। भारत और जापान का जो संयुक्त अभ्यास था वीर गार्जियन, उसमें भारतीय दल का नेतृत्व किया था इन्होंने। भारतीय वायुसेना तथा जापान की वायुसेना के मध्य जनवरी 2023 माह में जापान के हयाकुरी वायु सैनिक केंद्र पर यह वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ था। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था और इसमें महिला अधिकारी के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया था इन्होंने, अवनी चतुर्वेदी ने। 2018 में देश की पहली महिला पायलट भी बनी थी। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, लगाइए इसको 5 स्टार लगाइए कम से कम। अवनी चतुर्वेदी ने एक बार फिर रचा इतिहास, भारत जापान के युद्ध अभ्यास में करेंगी नेतृत्व। ये है अवनी दीदी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु रामचंद्र का उल्लेख हुआ है फरवरी 2023 माह में, और गुरु रामचंद्र आप सभी जानते हैं योग से संबंधित हैं। फरवरी 2023 माह में उत्तर प्रदेश के योग गुरु रामचंद्र चर्चा में रहे। गुरु रामचंद्र की 150वीं जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 150 रुपये मूल्य का सिक्का भारत सरकार द्वारा जारी किया गया। तो गुरु रामचंद्र, ध्यान दीजिएगा, लाला जी के नाम से जाने जाते थे, योग गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले भारतीय टीम के प्रथम कप्तान बन गए? ऐसा कप्तान जो तीनों प्रारूपों में शतक मार चुका है वो है रोहित शर्मा। ठीक है, सामान्य सी बात है, ज़्यादा परेशान नहीं होना क्रिकेट को लेकर। धोनी भारत की तरफ से आईसीसी द्वारा आयोजित तीनों ही ट्रॉफी जीतने वाले इकलौते कप्तान हमारे धोनी हैं, ये तो पता ही है आपको। ठीक, रणजी ट्रॉफी 2023-24 की विजेता, 22-23 की है ना, 2022-23 होना चाहिए था, 2022-23 की विजेता टीम जो है वो हमारी है सौराष्ट्र, जानते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम सौराष्ट्र है, बंगाल को हरा कर दूसरी बार जीता है खिताब, बढ़िया है। आईसीसी की दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच का आयोजन कहाँ होगा, जिसमें आप सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीम खेलने वाली है, और ये कहाँ पर होने वाला है? हाँ जी, ये काफ़ी चर्चा में रहता है और ये ओवल का मैदान है। इंग्लैंड में काफ़ी सारे मैदान है, उसमें लॉर्ड्स का भी मैदान है, परंतु होगा ये ओवल में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो अधिकांश बच्चे लॉर्ड्स लगा के आएंगे, ध्यान रखना। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मेरा ये मानना है कि भारतीय टीम इस काबिल नहीं थी कि उनको इस आईसीसी टेस्ट श्रृंखला के दूसरे फाइनल में पहुंचना था। तो पिछली बार गए थे, बेइज्जती करवा के आए थे न्यूजीलैंड से, इस बार ऑस्ट्रेलिया से करवाएंगे बेइज्जती। तो मुंह से ओ निकलना चाहिए कि ओ फिर से पहुंच गए, फिर से बेइज्जत होने वाले हैं। तो ये कहां पर होने वाला है? ओवल का मैदान में, ये ध्यान रखना। अगर ये पूछा जाएगा तो एक तो ये है कि तारीख पर ये 7 से 11 जून है, तो ये थोड़ा अजीब सा मामला हो गया है, लंदन के ओवल के मैदान में। तो लंदन में एक ओवल का मैदान है, वहाँ पर होगा, जैसे होलकर स्टेडियम अपना इंदौर में है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, रिजल्ट आपको पता ही है, इससे पहले जून 2021 में भी गए थे हम लोग, ठीक, न्यूजीलैंड जीता था। और ये कहाँ पर हुआ था? साउथ टम्पटन की बात हो रही है ये और ये साउथ टम्पटन अपना ऑस्ट्रेलिया में था कि न्यूजीलैंड में था ये? ठीक है, जीती तो न्यूजीलैंड थी, ये भी पता है। साउथ टम्पटन देख लेना कहाँ होना चाहिए। 2024 में महिलाओं का नोवा T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो 2024 वाला है, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश में होगा, यही तो मज़ेदार बात है। 2024 में महिलाओं का नोवा T20 विश्व कप बांग्लादेश में आयोजित होने वाला है। भारत को 12 साल बाद वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2025 में, विमन वनडे वर्ल्ड कप 2025 भारत में होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड में होगा, T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2027 श्रीलंका में, और बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप 2024 में। एंजेला मर्केल फरवरी 2023 माह में चर्चा में रही, एंजेला मर्केल बहुत फेमस रही हैं, किस देश से संबंधित हैं? हाँ जी, ये है जर्मनी की, एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर रही है पूर्व में। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को फरवरी 2023 माह में यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार पीस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। एंजेला मर्केल के बारे में बेसिक जानकारी, ध्यान दीजिएगा, 2014 को चौथी और आखिरी बार जर्मनी की चांसलर बनी थी, काफ़ी लंबे समय तक रही।
ठीक है। भारत यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1946। यूनेस्को के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अगला, फरवरी 2023 में हरि बालकृष्णन चर्चा में रहे, हरि बालकृष्णन का संबंध बताएं भैया। हरि बालकृष्णन जी जो हैं वो विज्ञान जगत से संबंधित हैं। प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को फरवरी 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन, ठीक, मार्कोनी पुरस्कार 2023, ठीक, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परेशान मत होइएगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है। हाँ जी, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023, बिल्कुल सही अनुमान है आपका, ये है मध्य प्रदेश, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। हाँ ठीक है, तो 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम है मध्य प्रदेश, भूलिएगा मत। फरवरी, 27 फरवरी को ही हुआ है करिश्मा ये, ठीक है। झारखंड को हराया और उसके बाद में, ठीक है, महाराष्ट्र को 5-1 से हराया, तो दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर एमपी है, दूसरे पर महाराष्ट्र है। एमपी याद रहेगा उतना बहुत है। तीसरे स्थान पर झारखंड है, चौथे पर हरियाणा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें एक नाम मुझे ध्यान रखना है, आप लोगों को बताना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये प्रतिभा आर्य, सर्वश्रेष्ठ रक्षक, डिफेंडर है ना, डिफेंडर की पोजीशन पे खेलती है ये महिला हॉकी में, प्रतिभा आर्य मध्य प्रदेश की हैं ये, इसका नाम ध्यान रखिएगा। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इन्हें सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार मिला है, बस एक नाम ध्यान रखिएगा, ठीक, ये आ सकता है मध्य प्रदेश की। अच्छा, अगला प्रश्न बनाई दिया, तो अच्छी बात है यार, मास्टर सही है आप लोगों का है। तो प्रतिभा आर्य जी, प्रतिभा आर्य जी हमारी हॉकी की खिलाड़ी है, जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दी आपको, फरवरी के महीने में चमत्कार किया है। प्रतिभा आर्य मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं, 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ रक्षक खिलाड़ी का पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये है प्रतिभा आर्य, ठीक है। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम मध्य प्रदेश है, ये प्रतिभा आर्य जी हैं, ठीक है। अगला नाम, फरवरी 2023 में अमित शाह ने मध्य प्रदेश में कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित करते हुए शबरी माता का उल्लेख किया, शबरी का संबंध रामायण में उल्लेखित किस जनजाति से है? देखिए भाई, शबरी माता को पीछे पड़े हैं, अब बिरसा मुंडा हो गया है, टंट्या भील हो गया है, तो जय हो शबरी माता जी, ST के वोट आए हमारे पास, बस जी बताएं, शबरी माता जी कोल जनजाति से, ठीक है भाई, कोल जनजाति की हैं। फरवरी 2023 में अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित करते हुए शबरी माता का उल्लेख किया, और शबरी माता का उल्लेख आपको रामायण में देखने को मिलता है। फरवरी, 27 फरवरी, फरवरी के महीने की घटना, अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कोल जनजाति महाकुंभ को संबोधित किया, बहुत अच्छी बात है। फरवरी 2023 में कनक रेले का निधन हो गया, कनक रेले जी कला जगत से संबंधित हैं, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर व पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त कनक रेले का निधन फरवरी 2023 में हो गया। मोहिनी अट्टम नृत्यांगना है ये, ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्यांगना कनक रेले जी, ठीक है। देश के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को फरवरी 2023 में चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, चेंगलपट्टू कहाँ पर है? चेंगलपट्टू आपके तमिलनाडु में मिलेगा। देश के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट को फरवरी 2023 में चेंगलपट्टू से प्रक्षेपित किया गया, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेंगलपट्टू में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है, ठीक है, निजी कंपनी द्वारा निर्मित है। साउंडिंग रॉकेट बेसिकली जो शुरुआती स्तर पर जो परीक्षण होते हैं उन्हीं के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। UIDAI ने फरवरी 2023 में अपना AI आधारित चैटबॉट किस नाम से लॉन्च किया? आजकल चैटबॉट का बहुत नाम चल रहा है, ठीक है,
तो क्या है? आधार मित्र है, आधार दोस्त है, आधार सहयोगी, आधार हमदर्द, क्या है? हाँ ठीक है, आधार मित्र आप कह रहे हैं। तो UIDAI ने फरवरी 2023 माह में अपना AI आधारित चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया, ठीक है। UIDAI के बारे में पढ़ते हैं आप। आधार कार्ड की शुरुआत 28 जनवरी 2009 से। भारत का पहला एग्री चैटबॉट है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट। फसल कुशाई यूनिट नंबर 9 चल रही है, अंदाजा है ना आपको? फसल कुशाई, अम्मा कुशाई, खेती बाड़ी कुशाई या कृषि क्रांति कुशाई? अम्मा कुशाई, सही बात है। अम्मा कुशाई भारत का पहला एग्री चैटबॉट, अम्मा कुशाई उड़ीसा में लॉन्च कर दिया गया भाई। नाम ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने लॉन्च किया भैया, बढ़िया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार RRR को दिया होगा ना? नहीं, दी कश्मीर फाइल्स, बिल्कुल सही बात, दी कश्मीर फाइल्स को मिलना ही था। दादा साहब फाल्के 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दी कश्मीर फाइल्स को, ठीक। दादा साहब फाल्के पुरस्कार आप जानते हैं फिल्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है भारत का, ठीक। मुंबई 2023 दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेज़बानी कर ही रहा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है दी कश्मीर फाइल्स, फिल्म ऑफ द ईयर है RRR, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र, बेस्ट एक्टर ये तो कोई नहीं पूछता, बस इतना ध्यान रखना, बेस्ट फिल्म दी कश्मीर फाइल्स और फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बस इतना बहुत है, ठीक है। किस एक्ट्रेस ने बेस्ट एक्ट्रेस का दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार? वही आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी, बढ़िया है। फरवरी 23 माह में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, फरवरी 2023 माह में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया। तुलसीदास बलराम का संबंध है हमारे फुटबॉल से, ठीक। ठीक है, ठीक है भाई। किस देश को आधुनिक फुटबॉल का जनक कहा जाता है? तो ये तो इंग्लैंड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक भाई। दिग्गज भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन, फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेला करते थे एक समय पहले।